नमस्कार, आप सभी का मेरी अपनी रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें, धन्यवाद। देख लेते हैं हमें पाव भाजी बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। भाजी के लिए मैंने लिए हैं 300 ग्राम उबले हुए आलू, दो गाजर बारीक कटी हुई, थोड़ी सी फूलगोभी है, आधा कटोरी हरे मटर लिए हैं, दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए, तीन टमाटर की प्यूरी और दो चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। मसाले में मैंने लिया है हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ये तीखी नहीं होती, और ये है धनिया पाउडर, ये हमारा पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। ढेर सारा हमने लिया है बटर। तो आइए अपनी भाजी बनाते हैं। मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, अब हम इसमें डालेंगे बटर। बटर हमारा मेल्ट हो रहा है, अब हम इसमें डालते हैं ये दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए, इसको हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें नहीं भूनना है। अदरक लहसुन जो हमने बारीक कुटी हुई रखी है उसको डाल देंगे, फिर हम इसे एक दो मिनट भूनते हैं। भुनने लग देंगे, बस हल्का सा ही भुनना है हमें। ये देखिए प्याज हमारी है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सब्जियां। सबसे पहले डालते हैं हम टमाटो प्यूरी। ये मैंने तीन टमाटो की प्यूरी ली है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं। अब हम इसमें डालते हैं अपने मसाले। ये एक चम्मच छोटी चम्मच है हल्दी पाउडर, ये छोटी तीन चम्मच है पाव भाजी मसाला, ये धनिया पाउडर दो चम्मच, ये है हमारी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये कलर के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फूड कलर भी डाल सकते हो। ये नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं डालूंगी इसमें ये तीन चम्मच। फिर ये है लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी है। फिर बच गया हमारा ये कसूरी मेथी थोड़ी सी, अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम अपनी सब्जियां डालेंगे इसमें। ये देखिए हमारी जो भाजी का मसाला है ये रेडी हुआ है अभी, अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। बॉयल आलू है वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। ये सारी सब्जियां डाल देते हैं, ये गाजर है, ये गोभी है और ये हमारे हरे मटर हैं। अब हम अपनी फ्लेम को थोड़ा सा धीमा करेंगे और
इसको 5 से 7 मिनट ढक के पकाएंगे ताकि हमारी सब्जियां हैं वो गल जाएं। सब्जी हमारी जो है वो गल गई है। अब हम इसमें अपने जो बॉयल किए हुए आलू हैं उसको डाल देते हैं और ये मैसर की सहायता से हम इसे मैस कर लेंगे अच्छे से। सारी सब्जियां मैस होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब इसमें थोड़ी सी सब्जियां जो है वो दिखाई दे रही है इसलिए हम थोड़ा सा इसको और मैश करेंगे। मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सी सब्जी डाल रखी है, ऐसी भाजी बननी है हमारी। भाजी हमारी गाढ़ी है। अभी इसमें हम तकरीबन 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे क्योंकि जो भाजी होती है वो इतनी गाढ़ी नहीं होती और इसको हम 7 से 8 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए पाव भाजी की हमारी भाजी तैयार है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा धनिया और अपने पाव रेडी करते हैं। इसमें तवे पे गरम करते हैं, मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। इस पे डालेंगे हम बटर, मेल्ट होने देते हैं इसको। ये मैंने लिए हैं पाव, दादी पाव, इनको हम बीच से ऐसे कट कर लेते हैं ऐसे और अब इनको हम सेक लेते हैं। ये देखिए हम इन पे थोड़ा सा बटर और लगाएंगे तक ऐसे। ये देखिए हमारा एक स्ट्रीट फूड रेडी हो गया है। सर्विंग बाउल में डालते हैं। हमारे पाव रेडी हो गए हैं। अब हम डालते इसमें भाजी, ये गर्मा गर्म गई, इसमें भाजी, ये हो गया बटर, ये हो गए कोरिएंडर लीफ।